चाहते कोई भी सरकार आए सही आए मजदूर के बारे में सोचे। हम 8,500 में नौकरी कर रहा है, यहाँ कोई नहीं देखता हम पाक है। कंपनी के पास पच्चा लगा होता है तो 10,500 का कितने के अंदर 8,500 मिलते हैं। सरकार के तो मोदी जी की आएंगे, चाहे जो कर लो, अखिलेश यादव आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, बस मोदी हट जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के टाइम पे कोई भी अपोजिशन की पार्टी का मेन मेंबर उसके सामने रहे। पहले राहुल गांधी पे केस लगे, आए वापस, उसके बाद ईडी ने इसको अरेस्ट किया, केजरीवाल को क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूँ आपके साथ मेघा। आज मैं नोएडा के चजारसी गांव में मौजूद हूँ और आज हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ की जनता का माहौल क्या है, क्योंकि अब चुनाव का समय है, 2024 है और चुनाव का समय है, पहला चरण 19 अप्रैल को है, तो जनता का क्या मूड है आज, तो उसके बेस पे हम जानेंगे जनता क्या रिएक्शन देती है, किसकी सरकार चाहती है, क्या आने वाले टाइम में 5 सालों में वो किसको देखना चाहती है, कौन सी सरकार को देखना चाहती है, क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या काम हुआ, हम जनता से ही सीधा जानेंगे, उन्हीं के बीच में मैं हूँ और उनसे ही जानूंगी कि क्या क्या काम हुआ, किसकी सरकार चाहते हैं, अब आने वाले 5 सालों में और क्या काम वो चाहते हैं। चलिए आइए जनता से हम बात करते हैं। चुनाव का समय है, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आप? मोदी जी की। क्यों चाहते हैं मोदी की सरकार? मोदी जी बढ़िया आदमी है, विकास कर रहे हैं बढ़िया। क्या क्या विकास किया अभी तक उन्होंने? वो क्या क्या, मैं जनधन खाते खुलवाए, गैस सिलेंडर बांट दिए, सड़कों का निर्माण बढ़िया हो रहा है, सारे काम गुंडागर्दी खत्म हो रही है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हिसाब किताब है। आप कहाँ से हैं? मैं तो खुर्जा से हूँ। आप वहाँ पे, आपके वहाँ पे कैसा काम चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमें तो बहुत खुशी है। मैं मोमडन हूँ, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब से योगी और मोदी की सरकार आई है आना जाना बहुत आसान हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मिलता भी नहीं है, पहले चोर जेब कतरे मिल जाते थे, अब कोई भी नहीं मिलता, अब तो बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, किसी बात का ना भेदभाव है, थोड़े बहुत लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो खूब आराम से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब आगे और भी भाई साहब, बहुत सारी जनता जुड़ी हुई है, उनसे भी सवाल करेंगे। हाँ जी, 2024 में जो चुनाव हैं अब आने वाले हैं, 19 अप्रैल को पहला चरण है, इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम? आप ही? मोदी। क्यों मोदी की सरकार क्यों चाहते हैं? मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने जो भी किया ना सबके लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा किया। क्या क्या किया है उन्होंने जनता? उन्होंने देखो लॉकडाउन में बहुत अच्छा किया उन्होंने, मतलब सबके लिए हेल्प किया, ठीक है, मोदी क्या नाम है, मोदी सरकार ने और योगी ने अयोध्या बनवा दिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा। नहीं, आपने अभी लॉकडाउन की बात करी, लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारे लोगों का जो काम है ठप सा हो गया, आप बिजनेस मैन है, सर्विस करते हैं? मैं तो इस टाइम सर्विस करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं होटल में काम करता हूँ। तो आपकी कुछ नौकरी में कुछ उन्नति हुई? उन्होंने जैसे काम का बोला था कि सबको नौकरियाँ दिलाएंगे, आपको क्या लगा कि? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है नौकरी वोकरी का, मगर हम खुद ही अपना मतलब ढूंढ के ही काम कर रहे हैं, अभी तो किसी का मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं है कि मतलब काम दिलाएंगे या होगा फलाना होगा। मोदी जी जो विकास की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या विकास हुए हैं? मोदी जी विकास की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या विकास हुए हैं मोदी? हाँ जी, मोदी जी ने क्या क्या विकास किए हैं, क्या क्या काम करे हैं अभी 5 साल में, क्या क्या काम करे हैं, और अभी आने वाले 5 सालों में अगर आप उनकी सरकार देखते हैं तो ऐसे क्या क्या काम होने चाहिए? और हम चाहे तो होने को तो बहुत काम होना चाहिए, अब इन्होंने देखा हाईवे भी सब बनवा दिया है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, आगे बताऊँ तो। चलिए हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित शाह। कहाँ से हैं आप? आपका नाम अमित शाह है, अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? यूपी से, बधाइयों से। आप इस बारी किसकी सरकार चाह रहे हैं 2024? सरकार किसी की भी नाम तो 8,500 में नौकरी कर रहा है, मजदूर के बारे में तो कोई नहीं सोचता है। तो जैसे मोदी जी ने बात करी थी कि सबको नौकरियाँ मिलेंगी, सबकी उन्नति होगी, मिला अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली है, किसी को नौकरी मिली, फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी सरकार आए आने वाले 5 सालों? चाहते, हम तो चाहते कोई भी सरकार आए सही आए, मजदूर के बारे में सोचे। अच्छा। हम 8,500 में नौकरी कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं देखता हमको, आ गए कंपनी के बाद पच्चा लगा होता है 10,500 का कितने के अंदर 8,500 मिलते हैं हमें। अच्छा, तो अभी आपको नौकरी आप कह रहे हैं कि नहीं मिली और आप चाहते हैं कि जिसकी तरह आप पीएम मोदी के अलावा किसको देखना चाहते हैं? हम मोदी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार आए मजदूर के बारे में कोई नहीं सोचता, बात यह है, अभी तक दिक्कत ही दिक्कत है हमें तो। चलिए, किस्सा कुर्सी का प्रोग्राम देख रहे हैं, चलिए इनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, आप इस बारी किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार के तो मोदी जी की आएंगे, चाहे जो कर लो। क्यों मोदी जी क्यों आएंगे? उन्हीं वही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सरकार केंद्र में उन्हीं का है, सब कुछ उसी का आएगा। और आप ये कहना चाहते हैं अभी उनकी सरकार है, उनके हाथ में सब कुछ है, इसलिए वो आएंगे? वही आएंगे। हाँ। तो आप चाहते नहीं कि मोदी आए?
अब चाहते ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आप किसको वोट डालेंगे मैं ये पूछ रही हूँ। हमारा वोट तो वैसे ही जाएगा। आप क्या आपने अभी कुछ 5 सालों में कुछ चेंजेस देखे हैं जो पिछले 5 सालों? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम वर्कर आदमी हैं, हम लोग हमको इतना पता है कि डेली कमाना है डेली खाना है बस। अच्छा। बस आगे हमको कोई फर्क पड़ता है। विकास विकास क्या हो रहा है नहीं हो रहा ऐसे कोई मतलब नहीं। कुछ आपके जैसे आप नौकरी कर रहे हैं कुछ उसमें आपको कुछ मुनाफा हो रहा है? मुनाफा क्या जैसे शुरू से चलता है अभी भी चला रहा है। हम आज से 8 साल पहले भी 20,000 कमा रहे थे, आज भी 20,000 कमा रहे हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? 2024 चल रहा है, इलेक्शन का समय है, आप किसकी सरकार चाहते हैं यहाँ यहाँ पे? हाँ जी, वैसे तो मोदी सरकार ही ठीक काम कर रही है। हाँ जी, सही कर रही है और सरकार के हिसाब से तो यही ठीक बेटर है। क्या सही काम कर रही है मोदी सरकार? और जो सरकार आई थी बनी विपक्ष पार्टी तो उसके हिसाब से विकास इसने सही किया है। हाँ, महंगाई भी बढ़ा दी और चीज़ें महंगी कर दी, बहुत से काम करे, चीज़ें बेच दी। हाँ, आपके हिसाब से ये विकास है? हाँ, विकास ही तो है, महंगाई हो रही है। लोग बोल रहे हैं सिलेंडर 1200 जाए 1500 जाए हम खरीदेंगे, बस मोदी आना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो जनता ने बढ़ाई है महंगाई है ना। देखो सिलेंडर महंगा हुआ है तो मोदी सरकार ने थोड़ी ना बढ़ा दिया, कुछ और भी इशू है ना उससे बढ़ा हुआ है। देखो एक घर में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं, है ना? नहीं, पहले नहीं थे मेंबर, पहले लोग खाना नहीं खाते थे। अच्छा, वो भी तो देखो मुस्लिम समुदाय में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी तो महंगाई का कारण है। टॉप पे कौन है, हिंदू है या फिर मुस्लिम है? पॉपुलेशन में देखो सबसे ज्यादा जो महंगाई बढ़ा रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग ही बढ़ा रहे हैं ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करने आई हूँ, मेरा बस आपसे ये सवाल है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आप चाहते हैं किसकी सरकार? हम तो योगी की सरकार ही चाहते हैं। अच्छा आप बताइए, आप मोदी के अलावा किसको और फेस ऐसा है, कौन सा ऐसा फेस? अखिलेश यादव आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए बस मोदी हट जाए। राहुल गांधी आप उसको पीएम क्यों उसमें देखना चाहते हैं? कोई भी आ जाए, बोल तो रहा हूँ राहुल गांधी को क्यों? जिनको संसद भवन का पता नहीं, बैठ के आंख मारते हैं संसद भवन में, ऐसे लोग प्रधानमंत्री बना गए आप जो संसद भवन में बैठ के आंख मारते हैं? तो आप किसी सरकार चाहते हैं? मैं चाहता हूं अभी जो सरकार चल रही है किसी क्या मैं रखिए जो रहा हूं, आप गांव में चलिए, इनकी कौम की बात कर रहा हूं। घर मिला है, शौचालय मिला है, राशन मिल रहा है, क्या चाहिए आप बताइए? 5 साल से फ्री राशन मिल रहा है, घर जिसको घर मेरे गांव में इनके कौम के लोग कपड़े मतलब कच्चे मकान में रहते थे, उनके घर नहीं था, आज चलिए देखिए पक्का। नहीं नहीं, मैं वो किसी हमारे लिए, आप लोग के लिए नहीं भाई, उसमें अभी की सरकार में किसी के अभी की सरकार में किसी के पास भेदभाव नहीं है, किसी में भी नहीं। वो सरकार सबको घर दे रही है, सबको शौचालय दे रही है और सबको जो है राशन दे रही है। आप बताइए आपके नाम से अगर नाम आप राशन कार्ड लेके जाते हो आपके नाम को आप देख के भगा दिया जाता है? नहीं दिया जाता ना, देते है ना? नहीं दे रहे कि नहीं दे रहे ना भैया, सभी तो दे रहे हैं ना, ये भारत सबके लिए तभी दे रहे हैं। आने वाले 5 सालों में आप और कौन कौन से चेंजेस चाहते हैं सरकार? सरकार चेंजेस जो कर रही है अच्छा कर रही है। और आपकी कोई वो नहीं है कि उम्मीद की और भी ये सब चीजें होनी चाहिए? कोई तो आ नहीं सकते, सब कुछ कर रही है, ईडी से केजरीवाल को अरेस्ट करवा लिए, एमएसपी लागू। अरे केजरीवाल तो यार चोर आदमी है, उसकी बात मत करो। अच्छा आप क्या समझते हैं कि केजरीवाल जो अभी हिरासत में है ईडी के है, आप क्या समझते हैं उनको फंसाया गया है? क्या ये राजनीतिक स्टंट था? सेंट्रल गवर्नमेंट किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के टाइम पे कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी का मेन मेंबर उसके सामने रहे। पहले राहुल गांधी पे केस लगे, आए वापस, उसके बाद ईडी ने इसको अरेस्ट किया केजरीवाल को। क्यों? इससे पहले उसके ऊपर भी लगे काफ़ी नेता जो रह चुके हैं कांग्रेस के थे, लेकिन जब वो उसमें चले गए उनके पे केस चलते थे, जहां उन्हें कांग्रेस उसमें बीजेपी में गए सारे केस माफ़ हो गए। अभी अमित शाह पे इतने लगे थे जब वो बने राष्ट्रपति। आपके हिसाब से ये एक राजनीतिक स्टंट किया गया था कि चुनाव आने वाले हैं, जितने भी मेन मेंबर हैं उनको हटा दिया जाए, बात खत्म, यही है इस पे। अब मैं बात कर लेती हूँ महिलाओं से भी। हाँ जी, आप क्या चाहती हैं मैम कि किसकी सरकार आए इस बार? मोदी जी की। क्यों, आप क्यों चाहती है कि मोदी जी की सरकार? क्योंकि हम लोग की सुविधा यहाँ सब कुछ उन्हीं के आने से हुआ ना। हाँ जी, क्या हुआ? उन्हीं के आने से हम लोग को सारी सुविधा मिली। क्या सुविधाएं मिल रही है अभी आप? सब कुछ, जहाँ पे रह रही हूँ हम लोग। कहाँ रह रही हैं? यही रह रही है, चजारसी में ही। ऐसी रोड नहीं थी। अच्छा, पहले नहीं थी? नहीं, अभी बनी है इन 5 सालों में। जहाँ रहते थे प्लॉट था, इतना कीचड़ में घुस के जाते थे। तो आपके हिसाब से वहाँ पे सफाई भी अच्छे से हो रही है? हाँ हाँ सर। क्या क्या विकास हुए हैं आपके क्षेत्र में?
अभी तो वही फिलहाल रोड रूट सही बन गया, लाइट भी सही रह रही है, अब जैसा जगह है वैसे ही तो लाइट रहेगी। आपके हिसाब से और क्या क्या आप सरकार को बोलना चाहेंगी जो आने वाले 5 सालों में अगर जीत जाती है मोदी सरकार? उनकी मर्जी जो होगी वही तो करेंगे, हम बोल देंगे और वो कर देंगे, ये बात तो है नहीं। फिर भी आप उनको वोट दे रही हैं, आपकी भी तो कुछ अपेक्षाएं होंगी ना? वोट तो हम देने का हकदार हैं, लेकिन वो हमारे कहने से वो नहीं करते। अच्छा, आपके कहने से कुछ नहीं करते, चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं इनसे भी पूछूंगी, मैम आप किसकी सरकार चाहना चाहती है इस बार की? क्यों? मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किए? पीवी जिला अध्यक्ष हैं उसमें ही, बीजेपी में। अरे अच्छा, इसलिए ये चाहती है मोदी सरकार आए। और आप अब आने वाले जैसे आगे 5 साल होंगे, उसमें क्या क्या और बदलाव हमें देखने को मिले? बदलाव आएंगे, मोदी जी बहुत बदलाव कर रहे हैं, बहुत कर दिए। क्या बदलाव? सब कर दिए मोदी जी ने, मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, सब कुछ, और सब राशन दे रहे हैं बहुत। इस बार मोदी जी 400 पार का बोल रहे हैं ना, भी ऊपर जाएंगे मोदी जी। अच्छा, कहाँ कहाँ सोच रही है कि कहाँ कहाँ आ सकते हैं इस बारे में? सभी उसमें स्थानों में आएंगे मोदी जी। अच्छा, आप केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी का एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। रहेंगे जेल में बंद। क्यों? लेकिन अभी तक कोई प्रूफ तो मिला है उन्होंने, यूँ रहेंगे जेल में। प्रूफ तो कोई मिला नहीं अभी तक? प्रूफ मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, जैसे सबके मिल रहे हैं ऐसे उनके मिलेंगे। अच्छा, तो आप नहीं चाहती कि दिल्ली में आपकी सरकार आए? सरकार मोदी जी की आ जाएगी आते आते, देख लेना। आप किसकी सरकार चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं जो और सरकारें नहीं कर पाई हैं, जैसे धारा 370 हुई, NRC, CAA, और भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित किया। वो एक मंदिर नहीं, इस भारत के अंदर उन्होंने भारत की आत्मा को स्थापित किया, और पूरे देश में लगभग दंगे 1% से भी कम रह गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आनी चाहिए। अच्छा, आप केजरीवाल के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट खेला गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चुनाव का समय है और अभी ये ऐसे चला, ईडी ने, पहले भी ईडी के पास सबूत थे, तब क्यों नहीं अरेस्ट किया, अभी क्यों चुनाव के समय? राजनीतिक स्टंट ये विपक्षी लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो केजरीवाल जी के साथ हो गया। केजरीवाल जी के कथनी और करनी में फ़र्क था, जो किया वो सामने आया, जांच चल रही है, और मैं कहता हूँ और भी जो इस शराब घोटाले में और अन्य घोटाले में जो तार जुड़े हैं वो लोग भी आगे आगे जेल। लेकिन अभी तक कोई प्रूफ तो दे नहीं पाई है ईडी। धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है और वो सबूत भी मिलेंगे जिससे ये तथ्य साबित होगा कि हाँ, केजरीवाल जी इस घोटाले में शामिल थे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ अभी और भी लोग हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वैसे अभी तक तो बीजेपी ने सही काम करा है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या क्या सही काम किया? देखिए, राशन सारा कब से फ्री चल रहा है, सबसे बड़ी तो महंगाई यही थी, राशन फ्री कर रखा हुआ है, और बाकी चीज़ें हैं जो महंगाई बढ़ा रही है। जैसी क्या महंगाई है? महंगाई क्या बढ़ रही है? महंगाई में तो काफ़ी सब्जियाँ महंगी हैं, इतने टाइम सब्जियाँ महंगी हैं, राशन महंगा है, तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। तब भी आप चाहते हैं कि इस बार मोदी की सरकार आए? 10 रुपए का बोल के 2 रुपए बढ़ा, 2 रुपए कम करें खाली। तो इस बारी आप किसकी सरकार चाह रहे हैं ये, ताकि आपकी जो महंगाई की दिक्कत है, सबके दाम जो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल हो गया, हर चीज़ को लेकर आप कह रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए हैं, तो अब आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार आए और कितने प्राइजेस कम? पैसे तो मतलब आबादी के हिसाब से है, जैसी इमकान आदमी की होती है, लेकिन ये उस हिसाब से कम होना चाहिए, महंगाई काफ़ी कम होना चाहिए, क्यों रोज़गार उतना है ही नहीं। किसकी सरकार आप चाहते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है, किसको वोट देंगे आप इस बार? हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं अभी तो फिलहाल। अच्छा, अब इस बार नहीं देंगे। इस बार फिर किसको देंगे? इस बार देंगे अपने जिसको देना है, दिल में होएगा जब दे देंगे। आप ऐसे किसी को भी दे देंगे वोट? कुछ तो सोचा होगा आपने, किसको देंगे? हाँ, देने का सोच रखा होगा फिलहाल। बताइए किसको देंगे? फिलहाल अखिलेश को देते हैं हर साल। अच्छा, उनसे क्या क्या आपकी उम्मीदें? उनसे उम्मीदें क्या है, कुछ काफ़ी काम होते हैं जो जाने के बाद वहाँ हो जाते हैं, अभी बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं होती है बस। आपको क्या लगता है, अगर उनकी सरकार आ गई अखिलेश जी की, मान लीजिए, तो क्या आपके जो चीज़ें हैं वो काम होंगे? जी ज़रूर होंगे, वो काम हो जाएंगे आपके हिसाब से। और आपको ये असली में लगता है कि सरकार उनकी आएगी? जी, कोशिश तो यही है कि ज़्यादातर के आने के चांस हैं इस बार, अब आगे के तो बता नहीं सकते। चलिए, ये जारी है किस्सा कुर्सी का, अभी हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। नमस्ते चाचा जी, क्या हाल चाल? बढ़िया है। किसकी सरकार चाह रहे हैं चाचा? सरकार तो भाई जब से आई है
और मेहनत करी तभी आई, वैसे तो आई ने सदियाँ गुजर गई अटल बिहारी को लड़ते हुए, आज उन्हें मौका मिला तो सरकार तो यही अच्छी है। ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सरकार यही अच्छी है, कि ऐसा आपने क्या क्या नोटिस किया, 5 सालों में क्या क्या काम हुए? भाई हर चीज़ मिल रही किसान को, तो जो बेरोजगार उसे गल्ला मिल रहा है, मजदूर को यहाँ प्रदेश में नहीं मिल रही रोजगार मिल रहा है, तो वो प्रोटेस्ट पे क्यों हैं जी है? प्रोटेस्ट पे क्यों हैं, यहाँ पे बॉर्डर पे क्यों बैठे हुए हैं बेफालतू में? अगर उनको सब कुछ मिल रहा है, वो अच्छे से खुश हैं, तो हरियाणा पंजाब से उठ के क्यों आ रहे हैं यहाँ पे बताइए आप? अगर वो खुश होते तो प्रोटेस्ट क्यों ना करते? वो बात देखो, हम गरीब लोग हैं। अब क्या काम करते हैं चाचा आप? एक सेकेंड, क्या काम करते हैं चाचा? सिलाई करते भाई। तो आप खुश हैं अपने काम से? अब खुश ही हैं, और हमें गवर्नमेंट को ये नहीं लगता कि महंगाई हुई इनकी सरकार में, मोदी की सरकार में? महंगाई तो हुई है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं? दिक्कत तो सबको है, लेकिन दिक्कत है उसके लिए हम कर क्या सकते हैं जब बताओ? हम तो अपनी मजदूरी में खुश हैं, हमें तो कुछ नौकरी मिल नहीं सकती, हमारे बच्चों को नौकरी मिल नहीं सकती है, बताओ क्या करें? क्यों नहीं मिल सकती आपके बच्चों को? मोदी जी ने तो वैसे ही वादा किया था इस बार सबको नौकरियां मिलेंगी, तो वो नौकरियां नहीं मिली, तब भी आप ये चाह रहे हैं? वादा करने जो करते हैं वो पूरे कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन चलो ये है कि किसान सम्मान योजना दे रहे हैं, हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं जितना कर रहे हैं, हैं लेडियों को पूरा फ्री किराया जा रहा है, हैं चाइना दिल्ली में घूमे, और तो दिल्ली में तो आपकी सरकार है चाचा, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, दिल्ली में नहीं है मोदी सरकार। अब तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन सुविधा तो है, अब जो सरकार जो बड़ी सरकार है वो बीजेपी की है। किसकी सरकार चाहते हैं, क्या कह रहे हैं आप पीछे से? नहीं, केजरीवाल तो दिल्ली में है, जो जेल में है वो तो हाँ, हमने कब बोला क्या आपके हिसाब से वो जेल में होना चाहिए था या नहीं? नहीं होना चाहिए, गलत किया उसके साथ में। कहाँ से आप? यहीं से। क्या गलत किया उनके साथ? बिल्कुल गलत है उसके साथ में, और क्या गलत है? जेल में डाल दिया, जो अच्छा काम करता है उसके लिए जेल में डालते हैं सीधा। उनको तो बोला गया है कि शराब घोटाले की वजह से उनको अभी रखा गया है ना ईडी का। ये नहीं पता शराब घोटाला क्या घोटाला हुआ है, तो आपको मामला ही नहीं पता है कि क्या मामला हुआ घोटाले में? सारे शराब घोटाले में गए, मनीष सिसोदिया भी गया, तो उनके ऊपर भी यही लगाया गया शराब घोटाला। शराब घोटाला क्या सिर्फ दिल्ली में ही हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है आप बताओ? गुजरात में क्या हो रहा है? हर दिन 15 करोड़ रुपए की शराब बिक रही है, वहाँ देसी शराब बनाए जा रहे हैं, बिक रही है, वहाँ शराब घोटाला नहीं वहाँ? आपके हिसाब से अब जैसे चुनाव आ रहे हैं तो इसीलिए ये सब हुआ कि केजरीवाल को जेल में डाला गया? बिल्कुल, चुनाव राजनीतिक मुद्दा है ये तो, बिल्कुल ही राजनीतिक मुद्दा है, न विपक्ष कोई बचेगा उनके सामने, न कोई लड़ेगा, न कोई चेहरा है, न कोई फेस है। देखिए जनता को ये लगता है कि ये इस बारी जो केजरीवाल जी को ऐसे ईडी केस में, शराब घोटाले के केस में जो फंसाया गया है, उनके हिसाब से ये एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि अब चुनाव का समय था तो उन्होंने सोचा कि विपक्षी पार्टी को क्यों ना ऐसे नीचे दिखाएं। या ऑफिशियली बिल्कुल, जो शिक्षा पे काम करे, जो लोगों की भलाई का काम करे, जो बेरोजगारी हटाए, जो हर चीज फ्री दे, इन्हीं की एक मंत्री है मनोज, वो बिहार के क्या नाम है, मनोज तिवारी जी, जो कहते हैं कि हम केजरीवाल से 5 गुना फ्री बिजली देंगे, यानी दिया वही 200 यूनिट वो देंगे तो 5 गुना यानी 1000 यूनिट देंगे, तो यूपी में आप 10 रुपये यूनिट बिजली पी लें। आप अगर आपको अगर देखिए इस बार चुनाव है 2024 का, अगर आप सत्ता बदले तो आप किसकी सत्ता बदलना चाहेंगे? जो बेरोजगारी पे, महंगाई पे जो सरकार बात करेगी, जो आपके हिसाब से वो कौन सा फेस है जो पीएम मोदी को रिप्लेस कर सकता है? अभी अभी कोई, अभी आने वाले टाइम में कोई फेस नहीं है। तो फिर आप क्या, आप फिर पीएम मोदी को ही वोट देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे, अभी और बहुत सारे ऑप्शन है। आपके हिसाब से कोई भी विपक्ष ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार को टक्कर दे सके? इन दिस टाइम तो नहीं है, नहीं इन दिस टाइम तो अभी नहीं है जी। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? सरकार तो जो है जी, बाकी मोदी से तो खुश हैं जी, वैसे जो बात है 500 ही घीमा कर रखी उनने, सबसे बड़ी बात है उसकी कि भाई रात को किसी भी टाइम कहीं निकल जाओ जी, कोई डर भय नहीं। फिर दूसरी बात यो है जी, हर चीज़ में ही ऐसे वो मोदी मोदी है जी, और पूछो तो हम पूछो जवाब मैं दूंगा। और किसी की आप सरकार चाहते हैं, अगर मोदी को आप रिप्लेस करना चाहें, उसके अलावा पीएम मोदी के अलावा किसी और का फेस देखना चाहेंगे? हमारे तो निगाह में मोदी है जी, मोदी और योगी अड़ के हैं जी यार, हाँ उनके ऊपर मरने मारने। इस बारी मोदी जी ने 400 पार के नारे का वादा किया है, आपको क्या लगता है? शायद उम्मीद है जी पूरी, और सब प्रभु की लीला रहेगी जी। आप किसकी सरकार? मैं मतलब सरकार तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ये बोल सकता हूँ कि हाँ सरकार तो सही है,
बीजेपी जो सरकार है वो बेस्ट है, बट क्या है कि बीजेपी सरकार को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए किसके बारे में, जो अनपढ़ है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, सारा सिस्टम डिटेल कर दिया है, बट एक जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो उस चीज़ को दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसे मनी घूमती है, कैसे क्या होता है, सिस्टम में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। डिजिटल सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डिजिटल की। आजकल क्या है, मनी क्या है, मनी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है जस्ट। अगर कोई किसान है वो तो नहीं कर सकता है, उसको तो कैश बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ जाके जमा करेगा, ठीक है, और बैंक में चार चार चक्कर लगवाते हैं। इसी तो विकास की बात होगी, अगर वो जब तक सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा, यही विकास है। अरे एक सेकंड, मैं दूंगा ना जवाब। भाई एक बात बता, माँ के पेट में कौन सीख गया? बड़े दो दिन नहीं चलने का, तीन दिन नहीं चलने का, चौथे दिन आओगे उस पर भी। आप कह रहे हो माँ के पेट में नहीं कोई सीख के आया जस्ट, मगर अब जो 60 साल का बुजुर्ग है, ठीक है, वो एक किसान है, ठीक है, अब वो डिजिटल में कैसे काम करेगा जब वो उसकी सीखने की उम्र है अब। चलिए चलिए, और किस मुद्दे पे आप चाहते हैं सरकार आने चाहिए बीजेपी? मुद्दे पे कुछ नहीं आना चाहता हूँ, बट जो भी है अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले कौन 5 साल में आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? आने वाले में ये है कि मोदी जो कर रहे हैं अच्छा है, डिजिटल कर रहे हैं बेस्ट है, बस थोड़ा सा उनको किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, किसान आदमी कैसे कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और बेसिकली उनको थोड़ा मेन चीज़ ये है कि आज के टाइम पे करप्शन बहुत है, ठीक है, करप्शन क्या है, छोटे मोटा भी इंसान है, अगर एक हवलदार है गाड़ी पकड़ेगा भी 200 रुपये ले लेगा, करेक्ट, ये करप्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आदमी बेच रहा है 10-20 रुपये का बेच रहा है, कोई भी सामान अगर वो लेके आता है, फल फ्रूट या कुछ भी हो गया, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपके सामने, मंडी है, ठीक है, इसमें आलू लेके आ रहा है किसान से, यूपी से, ठीक है, मगर यूपी को कॉस्ट मिल ही नहीं पा रही है, वाई क्यों नहीं मिल पा रही है, कि बीच में उसने खरीदा होलसेलर ने अपना लगाया, रिटेलर बेच रहा है वो अपना लगा रहा है, हिसाब से महंगाई भी आपका एक मुद्दा है। हाँ एग्जैक्टली, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई का ये शॉर्ट मैं अभी क्या है, दिल्ली में जो भी है केजरीवाल की सरकार है। हाँ, केजरीवाल की सरकार पे आप क्या बोलना चाहेंगे? केजरीवाल जी की सरकार पे बोलना चाहूँगा, केजरीवाल जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने जो बोला है वो किया भी है, दिल्ली के अंदर आप खुद देख सकते हो कि किया भी है, ठीक है। अभी क्या है, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने फ्री करी है, मगर यह है कि अगर 200 से ऊपर आ गई है किसी की यूनिट तो भैया उसको पूरा कर। आपके हिसाब से केजरीवाल जो है दिल्ली के लिए परफेक्ट एग्जांपल है, उन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई हुई है दिल्ली के लिए, परफेक्ट है केजरीवाल। इस बार आपको क्या लगता है 2024 में केजरीवाल के आने के चांसेस होंगे? वही आएंगे। अगर उससे पहले उनसे इस्तीफा मांगने की मांग कर ली गई, अगर दे दिया गया तो वो तो आपको पता ही, केजरीवाल जी कैसे हैं, इस्तीफा तो जेब में रख के चलते हैं, मैं खुद उनकी न्यूज़ देखता हूँ रोज, वो जेब में रख के चलते हैं, ठीक है। और बीजेपी ने जैसे 400 प्लस का दावा किया, बीजेपी का 400 प्लस का दावा है, आई नो दैट, बट ये है कि बीजेपी जो है ऑलराउंडर तो अच्छी है, उसने सेंट्रल लेवल पे घुमा लिया, ठीक है भाई, बिल्कुल, बट सेंट्रल लेवल का ये है, सेंट्रल लेवल को आप तभी घुमा सकते हो जब स्टेट लेवल सही होंगे, ठीक है। स्टेट लेवल में क्या है, बीजेपी का इस टाइम पे चल रहा है गुंडागर्दी किसकी चल रही है, छोटे छोटे हैं, बट अकेले मोदी जी तो उस चीज़ को नहीं संभाल सकते ना, उसके नीचे जो है स्टेप बाय स्टेप करप्शन बहुत है। आपको क्या लगता है बीजेपी पे करप्शन नहीं है, जैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी की हमने अभी आप बात कर रहे हो, ठीक है, उनको ईडी के केस में डाला गया, आपको नहीं लगता कि बीजेपी पे करप्शन है? आपको क्या लगता है बीजेपी में करप्शन? मैं बीजेपी में मोदी जी को नहीं रिकमेंड करूंगा कि करप्शन के उसमें वो शामिल हैं, बट ये है कि हाँ उनके जो नीचे हैं वो करप्शन में है शामिल, ए टू जेड यार करप्शन से चल रहा है सारा सब कुछ, आप देखिए ना कहीं भी इटली वाले हैं 50-50 रुपये इनसे लिया जा रहा है, 100-100 रुपये लिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आपको क्या लगता है ये जो केजरीवाल जी को आती हैं ये? अच्छा, फिर भी आप अगर आप नहीं बोल, मेरे भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उन्होंने बात करी। अच्छा चलिए, यहाँ पे थोड़े से हम इनसे भी पूछेंगे, क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? सेक्टर 57 में। क्या आपकी जॉब से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। किसकी सरकार चाहते हैं आप? जो है प्रेजेंट टाइम पे वही फिर आएगी, तीसरी बार फिरा रहे मोदी जी, उसमें क्या है। आपको जैसे नौकरी करने वाले हैं आप, आपको इन 5 सालों में कुछ ऐसा दिखा कि नौकरी करने में आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, जैसे वो बात करते हैं विकास की, तो आपको क्या उसमें फ़ायदा लगा? बिल्कुल फ़ायदा, यही सपा सरकार में यहाँ निकल नहीं पाते थे शरारती में, गुंडागर्दी में। अच्छा, ना गुंडा राज है ना भ्रष्टाचार है, सीधी सीधी भाजपा सरकार है तीसरी बार। चलिए, तो यूपी में तो लग रहा है कि मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि हमने अभी अपनी जनता से बात करी तो जनता यहाँ पे चाहती, बहुत सारी उम्मीदें इनकी है अगले 5 सालों में भी, लेकिन चाहती ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है बीजेपी की ही चाहती है, उनके हिसाब से यहाँ पे विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है, और अब वो चाहते हैं आने वाले 5 सालों में फिर से हम उनको ही सरकार बनाएं। चलिए सर, आप बताइए किसकी सरकार आप चाहते हैं इस बार 2024 में?
हम तो सरकार भाई मोदी जी की चाहिए। देश का विकास जितना उन्होंने किया है 10 साल में, क्या क्या विकास किया 10 साल में आपके? 10 साल में तो आप रोड का स्ट्रक्चर देखिए, करप्शन देखिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री करप्शन में बंद हैं, आज तक कोई मुख्यमंत्री बंद था ये बताइए। दूसरी बात, एक राजनीतिक क्षण भी तो हो सकता है क्योंकि चुनाव का समय, इस पे एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं। मोदी जी का इसमें क्या रोल है? इसमें तो एजेंसियां जांच कर रही हैं, एजेंसियों को जो मिलेगा तथ्य उस पे उनकी कार्रवाई होगी। तो आज हम गलत हैं, हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो अच्छी बात है, वो निर्णय लेगी। आने वाले 5 साल में आप चाह रहे हैं मोदी सरकार आए, उनमें आप क्या चाह रहे हैं कि और क्या किन 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 चीज़ों पे काम होना चाहिए? जनता की भी कुछ उम्मीदें होंगी कि अब इस बार अगर सरकार मोदी की आती है तो और क्या क्या काम होने चाहिए और किस चीज़ चीज़ में विकास होना चाहिए? एक तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन रोजगार के ऊपर है, जो रोजगार में जो पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं इसकी दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए और निष्पक्षता से। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और नौकरियों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते? हम तो नौकरी करते हैं। कहाँ पे नौकरी करते हैं? मैं हल्दीराम में इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मैं तो जॉब हमारी चली रही है जो चल। नौकरी का इस बारे जैसे बोला था कि सबको नौकरी मिलेगी, रोजगार हटेगा सबके घर में, बिजली वगैरह का भी उन्होंने बोला था, आपके हिसाब से उन सब चीज़ों पे विकास हुआ? बिजली की व्यवस्था तो हुई है, बिजली की घर घर पहुंची। और आपका जो किसान योजना जा रही है खाते में वो भी जा ही रहा है, जल का मिशन चल रहा है उनका, जल वितरण मिशन। हमारे गांव में भी बहुत अच्छी टंकी बन रही है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इस बार मोदी जी ने 400 पार का वादा किया है कि आएगी? 400 पार तो आना ही है, 470 की हम आंकड़ा लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मोदी का टक्कर इस समय कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि 500 वर्ष से जो इतिहास था राम मंदिर का, उसको कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने तो गोली चलवाई वहाँ। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा कर रहा है, कांग्रेस इतने सालों रहा, 17 साल रहा, 70 साल क्या किया उसने? कुछ भी हो, करप्शन दूर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ नीचे, भले गरीबों को लिए भी देखो इतना सारा चीज दिया, बेनिफिट दिया है। आप सुनाइए। EVM गलत है तो पेपर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? पेपर पे लाओ ना। इसलिए नहीं ला रहे हैं कि बूथ कब्जा करके लूट करके फूंक देते थे, अब तो यहाँ तो कंप्यूटर से ही वो लूट रहा है। आपके हिसाब से बीजेपी लूट रही है? कैसे नहीं हो रही? आपके हिसाब से सरकार लूट रही है? मशीन तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। मशीनी तंत्र है, EVM तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। क्योंकि हर इतिहास देख लो, जनता बदल देती है सरकार, कांग्रेस को बदल दिया है। और कांग्रेस ने पहले भी तो कितने साल काम किया सर, ऐसा थी वो भी तो बैक टू बैक आई है सत्ता में। कौन? कांग्रेस? हाँ? कांग्रेस आई है, हैं? EVM जो है अब है EVM तंत्र, प्रजातंत्र नहीं। अब क्या मोदी, अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर सुनिए, अगर आप अभी बैंक में कितना देर लाइन लगा के जाते थे ये बताइए। बैंक में, बैंक में अभी लाइन में अभी क्या है? अपने हाथ में वो दिया है सब बैंक है, देखो बैंक देखो, ये मोबाइल। अच्छा, पहले हाँ डिजिटल कर दिया मोदी ने, गायब होते थे पहले, किसके गायब होते थे वो साहब? चलिए, अच्छा चलिए, आप मेरे को एक मैडम के 70,000 रुपए, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, रुपया उड़ा के दिखा दे, गारंटी है। मेरा सन 1982 से मैं खाता धारी हूँ स्टेट बैंक में। एक क्रिमिनल को बताओगे तो उतना निकाल ही लेगा। सुनो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करूँ, पेटीएम का काम करूँ, तो मेरे भी पैसा उड़ जाएंगे। आज तक रिपोर्ट है पैसा उड़ने के, लाखों रुपए उड़ रहे हैं, गायब क्यों हो रहे हैं बैंकों खाते में? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? कौन हम? हम तो EVM चले, अपना प्रजातंत्र अपने आप। नहीं, आप सरकार किसकी चाहते हैं? आप हम सरकार, हम एनीबॉडी ऑफ दी कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हो मतलब मशीनी तंत्र ना हो, पेपर तंत्र हो, पेपर ते पे वोट हो। आप
जो जनता चाहेगी वो। चलिए चलिए, हर किसी की एक अलग अलग राय है। कोई कहता है कि केजरीवाल सही है, कोई कहता है कि बीजेपी सही है, कोई यहाँ पे कहते हैं कि सबने ही यहाँ पे काम किया है। अब देखना ये होगा कि किसकी सरकार आएगी। मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं यहाँ पर। कोई कह रहा है बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कोई कह रहा है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अखिलेश यादव जी की सरकार चाहता है, लेकिन सबके मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में ही है, लेकिन 4 जून को फैसला आ ही जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, जनता किसको चुनेगी और किसको नहीं। और बाकी की आप तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।